जिस झाड़ के नीचे रुके थे वो झाड़ भी एकदम पूरा भीग गया है, हम लोग भी भीगने लगे। तो फोन को भी मैं बंद करके घर पे जाऊंगा ताकि मेरा फोन ना खराब हो जाए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रजापति, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अभी भी आंख में नींद है। तो कल रात का व्लॉग मैंने गांव वाले घर पे खत्म कर दिया था। आज भी अच्छा है मौसम, कल का मौसम अच्छा नहीं था, आज का मौसम अभी हम लोग जा रहे तो मौसम अच्छा है। कल तो मौसम इतना बेकार था, मैंने भाई को बोला कि हम लोग आज ही चले जाते हैं, रह के मतलब नहीं है। बट एक काम बाकी था, अभी वो काम खत्म करके हम लोग 12 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। आज पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बट जो भी है जैसा भी है। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली थी तो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मोर की आवाज़, कोयल की आवाज़ और भी अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, अच्छा लग रहा था। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कैसे हो? तो आज मुंबई के जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। दिन तो ये कि जिस काम के लिए मैं आया था, मैं अपना लाइसेंस बनाने के लिए आया, तो मैंने कल आपको कहा कि मेरा लाइसेंस के लिए मुझे वोटर आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस मुंबई का, इसलिए मुझे वोटर आईडी लगेगा। वोटर आईडी मेरा अभी तक आया नहीं है, आया है लेकिन वो कहीं और पड़ा है। तो वहाँ से लाने के लिए हम लोग स्कूल में गए थे, तो स्कूल में गए तो वहाँ पे सर ने हमें कहा कि वो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, तो हमें एक दिन और रुकना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट कैंसिल करने के लिए टिकट का काम हो गया है, तो टिकट आज का कैंसिल कराया और कल का टिकट ले लिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ मामा जी के घर पे, सुमेपुर में रहते हैं मामा जी। जब से मैं राजस्थान आया हूँ मामा जी के घर पे अब तक गए हैं, भाई मामा जी के वहाँ पे जाके फिर हम लोग जाएंगे वापस घर पे। काम खत्म हो गया, हमने टिकट वगैरह लिया, अभी मासी के घर पे गए थे, मामा जी के घर पे गए थे और वहाँ का काम बता के हम लोग थोड़ा अभी घर पे आ रहे। तभी जो लास्ट सीन आपने देखा था और मैं सब रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे फोन का बैटरी खत्म हो गया था, फोन स्विच ऑफ हो गया था और उसके बाद मैं घर पे आया था। घर पे आके थोड़ा रेस्ट किया, नहाए वगैरह नहाया और 2-3 घंटे की अच्छी खासी नींद मारी। अभी हो गया है टाइम 4 बजे और मैं और भाई अभी वापस से सुमेपुर जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने टहलने। अभी घर पे तो कब से बोर हो रहे थे, सोचा घूम के आ जाए बाहर। और वीडियो जो है कल वाला वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुआ है, तो देखते अभी टाइम मिला तो मैं एडिट करूंगा या फिर मुंबई जाके वीडियो को एडिट करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मैं अभी निकल रहा हूँ बाहर।
मैं और कुणाल, सॉरी कुणाल आ रहे हैं दोस्तों, मैं और कुलदीप अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं शनि धाम कामेश्वर रोड पे। तो जरा अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है जरा सीन। सब लोग देख रहे हैं कि कैमरे लेके कर क्या रहे हैं। अभी हम लोग इस गुफा में जाएंगे और देखते हैं कि क्या है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे राजस्थान में, तो मैं ऑलरेडी कहीं पे भी घुमा नहीं। तो ये गुफा है और क्या मूर्ति ये क्यों है? बीबी आ गया देख। तो गुफा से हम लोग आए, उस गुफा से एंट्री की थी और इस गुफा के बाहर हम लोग निकले। और अभी इस गुफा के अंदर मतलब अलग अलग भगवान के अलग अलग मूर्तियां हैं और ऐसे थोड़ा एक वक्त के लिए कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा अंधेरा था। अच्छा है ऐसा, मतलब एक रियल गुफा का फीलिंग आई थी हमें यहाँ पे। अभी भी गुफा खत्म नहीं हुई, मुझे लगा खत्म हुई ये गुफा, बट अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है देखने में आई ज्यादा। ये ओपन गुफा है, वो पैक गुफा थी। तो पीछे गार्डन भी है, वाह। तो ये यहाँ पे गार्डन भी है पीछे। तो इतनी अच्छी अच्छी जगह है यार राजस्थान में भी, मुझे पता ही नहीं था। मुझे कुलदीप ने कहा, हम लोग घर पे बैठे थे, बाहर जाने का रास्ता यहाँ पे। और ये हुआ हमारा जर्नी खत्म मंदिर के अंदर का। अंदर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, काफी अच्छा है। हाँ पास में खेत है, कितना अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी मंदिर के पास ना शांति होनी चाहिए। एनीवे पर जो भी है, जैसा भी है, अच्छी जगह है काफी एकदम, और शांति लगा यहाँ पे। कोई है भी नहीं, ज्यादातर दो तीन लोग ही है और हम लोग हैं हम दोनों। यहाँ पे हम लोग का घूम के वगैरह हो गया, थोड़ा फोटोशूट किया, एकदम छोटा सा फोटोशूट किया, दो तीन फोटो क्लिक किए और अभी हम लोग निकल रहे हैं। शायद से बारिश आ सकती है, देखो पीछे पूरा का पूरा बादल एकदम ब्लैक हो चुका है। शायद वहाँ पे बारिश हो भी रही होगी, ऐसे बारिश आनी चाहिए यार। मैंने बारिश राजस्थान में बहुत टाइम हो गया कि मैंने बारिश नहीं देखी है। परसों जब आए थे तो थोड़ी एकदम हल्की सी बारिश हुई थी, ना के बराबर, और बारिश होनी चाहिए। अभी हम लोग दोनों निकल रहे, मैं और कुलदीप सिंह राजपूत। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम कुलदीप सिंह भारुंदा। जाने दो, रिस्क नहीं लेना चाहिए बाइक पे। अभी यार मनोज और नरेया, यार बहुत मिस करता तुम दोनों को। मैं और कुलदीप अभी तुम लोग की बात कर रहे थे कि यार मनोज और नरेया से मजा आता। एनीवे नेक्स्ट मंथ हम लोग वापस से आएंगे और एंजॉय करेंगे। 1:37 लेटर। तो जैसे हम लोग निकले थे तो बाइक चला ही रहे थे और बारिश जोर की छुट्टी, और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं एक जगह पे। पता नहीं कितनी देर तक बारिश रहेगी, लगता तो नहीं ज्यादा देर तक रहेगी, बट एक बार खत्म हो जाए घर पे पहुंच जाए हम लोग और फिर रुक जानी चाहिए, वापस से शुरू हो जाए, मजा आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसी जगह पे फंसे, घर से दूर है, यहाँ कुछ छाता वगैरह जंगल में, और पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पे। हम लोग आधे भी नहीं पहुंचे थे अभी और बारिश शुरू हो गया। एनीवे जो भी है, एटलीस्ट मेरा सपना तो पूरा हुआ कि मैं राजस्थान में बारिश देख पाया।
कल जा रहा था, आज रुका, कैंसिल हो गया जाना और अभी बारिश आ गई। अच्छा है, होना चाहिए था ऐसा, बट एक बार के लिए रुकना चाहिए बारिश। और बारिश अच्छा हुआ एकदम। हाँ, हम लोग यहाँ पे कब से रुके हुए, 10 मिनट हो गए यहाँ पे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी जिस झाड़ के नीचे रुके थे वो झाड़ भी एकदम पूरा भीग गया है और हम लोग भी भीगने लगे, तो फोन को भी मैं बंद करके घर पे जाऊंगा ताकि मेरा फोन ना खराब हो जाए। जगह से तो निकले थे कि बारिश, जैसे हम लोग वो जगह से निकले बारिश एकदम जोर का होने लगा। हम लोग यहाँ पे साइड में रुके थे और अभी हम लोग आए हैं, ये जगह है कानपुरा जगह है, आपको कैमरे में दिख रहा है, तो ये जगह है कानपुरा जगह है। अभी थोड़ी बारिश कम हो गई तो अभी हम लोग थोड़ा निकल लेते हैं। ये बार सीन देख लें, यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी फोन रखता हूँ ताकि मेरा फोन खराब ना आए। बट जैसे भी, ये बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, ऐसा कुछ भी होना चाहिए ताकि ब्लॉग इंटरेस्टेड बने। और आज का ब्लॉग कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि दो ब्लॉग जो आ रहे थे वो भी दोनों छोटे आए, आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा बना। एनीवे, ये मैं फोन रखता हूँ, डायरेक्ट घर पे आपको मिलता हूँ, बाय। तो ये नदी है, हम लोग नदी में से होके जा रहे ताकि जल्दी पहुंच जाए घर पे, शॉर्टकट। बारिश होने के बाद जब बारिश रुक गई तो जो पहली बार जो बारिश होने के बाद जो स्मेल आती है, वो स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी का अपडेट ये है कि गोविंद भाई घरे हुए हैं बाहर, मैं घर पे अकेला हूँ। आज का खाना मैं कुलदीप के घर पे खाऊंगा और भाई आएंगे रात को 11 बजे तक, और रोज तो मैं कुलदीप के घर पे सोता हूँ और आज मैं अपने घर पे सोऊंगा क्योंकि मुझे कल वाला व्लॉग भी एडिट करना है। तो मे बी, और अभी बारिश भी आ गई है, देखो यहाँ पे भी बारिश हो गई फाइनली, ऊपर बादल छाए हुए हैं, देखो बादल, काले बादल। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको छोटा सा वीडियो, अगर छोटा तो नहीं, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।